हेलो एवरीवन, फायर मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बसो कल्याण के नीलंबिका कॉलेज में भी हिंदी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लीडर माधवराव सूरे मौजूद थे। नीलंबिका गर्ल्स कॉलेज की ओर से हिंदी दिवस के मौके पर सभी हिंदी टीचर्स को सम्मान किया गया। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर श्री विजय सिंह ने हिंदी दिवस की सभी स्टूडेंट को और टीचर्स को मुबारकबाद दी। नमस्कार। तो आज के दिन जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे प्रिंसिपल साहब हक्कना साहब, हमारे माधवराव साहब, नरसिंह रेड्डी जी, फिर हमारे मंठालकर साहब हैं, हमारे खलील भाई हैं, हमारे शुक्ला भाई है, मारुति शिंदे है, अजीत है, फिर हमारे नागप्पा जी है, असलम हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे पूरे स्टूडेंट्स हैं और सभी आदरणीय टीचर्स को मैं सबको और एक बार अपने तहे दिल से नमस्कार कहता हूँ। तो और सभी हमारे करीबी हैं, सबका नाम वगैरह लेकर ये करना है, तो किसी का मिस हो गया तो भी माफ़ करिए। तो आज हिंदी दिवस है, तो हमारे देश में आप लोगों को मालूम है बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत ही आचार विचार अलग अलग हैं, सब पद्धतियां अलग अलग हैं, मतलब खाने की पद्धति अलग है, सोचने वाले अलग अलग है, तो मगर भी इसको सबको जोड़ के रखता है हमारा एक भारत का संविधान। हम सबको मिलाकर रखकर आगे लेके चलने वाला है भारत का संविधान। और उसमें भी और एक मुख्य पात्र क्या रखता है, भाषा एक बहुत ही अहम पात्र रखता है, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे से बात करना है तो एक तो कौन सा तो कॉमन लैंग्वेज रहना बात करने का, तो आप तो पूरे दुनिया में ऐसा एक भाषा इंग्लिश है ना, तो कि कहीं पर भी आप जाते हो इंग्लिश अगर आता है बोले तो सब तरफ काम चलता है। बहुत सारे देशों में इंग्लिश भी नहीं चलता, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश चलता है। वैसे ही हमारे देश में हमारा अगर एक भाषा अगर जो है सबको अगर बात करने वगैरह सबको मेल झोल वगैरह बढ़ाने के लिए कौन सा भी एक कॉमन लैंग्वेज कौन सा तो है बोले तो वो हिंदी है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। हिंदी भाषा अगर आप जानते हैं तो कहीं भी कहां पर भी जाके आप अपना काम चला सकते हैं, अपने बातचीत रख सकते हैं, आप लोगों को अपने दिल में क्या है, दिमाग में क्या है बोलकर उनको समझा सकते हैं। तो ऐसा एक भाषा हमारा हिंदी है, तो वैसा और बहुत सारे जगह वो भी अगर हमारे भारत के सेंट्रल इंडिया बोलते हैं ना, मध्य भारत में सबसे ज़्यादा चलता है तो हिंदी ही चलता है। वहाँ पे लोग को दूसरा भाषा आता ही नहीं है, वो अंग्रेज़ी भी अंग्रेज़ी अगर बोलेंगे तो भी वो हिंदी मिला के बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, है ना। अब कल ही हमारे भाई वगैरह हम सब लोग साथ में बैठे थे, तो वो भी कल दो दिन पहले ही, उन्होंने भी एक महीना पहले ही KKRDB के चेयरमैन, कर्नाटक का डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तो हम चर्चा कर रहे थे सबसे ज़्यादा अब उन्होंने क्या किए हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसी अब स्कूल्स कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक बात हो गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब तुम बिल्डिंग बनाना है, तुम क्लासरूम बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, वहाँ टीचर्स रहना। अगर टीचर ही नहीं है तो क्या पढ़ाते, कौन पढ़ाने वाला है ना। तो इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया, हमारा सरकार ने निर्णय लिया कि हम कितने बहुत सारे संख्या में अब गेस्ट टीचर वगैरह अपॉइंटमेंट के लिए KKRDB के तरफ से हमारे ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर भी दिया है। आज सुबह में BO से बात कर रहा था, वो भी बोले गेस्ट टीचर्स वगैरह, हाँ सर गेस्ट टीचर्स ले सकते हैं, बोले कैसे आप, अब सरकार से ही आदेश आ गया है कि थोड़े गेस्ट टीचर्स वगैरह ले सकते हैं, बोलते ये इसमें ये क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को बोले तो इससे बहुत ही ये एजुकेशन का जो क्वालिटी इम्प्रूव करने का है। हम KKRDB में एक अच्छा डिसीजन लिए, सबसे ज़्यादा अब हमारा जेवर की जो था वो बहुत कम परसेंटेज वगैरह आ रहा था, लेकिन पिछले साल एक साल डेढ़ दो साल से जो करे उसका भी इम्प्रूव हुआ है। वैसे ही KKRDB हमारे रीजन में और हमारे बीदर में और बसव कल्याण तालुक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम एजुकेशन को ही देंगे बोल के आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसमें आप लोगों का सब
मार्गदर्शन आप लोगों के साथ चर्चा करके सबके साथ। कल 17 करोड़ दिए सर हमारे बसों के लैंड के तरफ। हाँ, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। वही 70 पूरे रीजन में दिए, और खास करके बसों कल्याण के लिए 17 करोड़ आप ही बता रहे हैं, तो मेरे को एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं था, तो आप ही बता रहे हैं कि 17 करोड़ दिए। ऐसी आने वाले दिनों में हम पूरा, हमारे रेड्डी साहब भी बोले ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्लासरूम के लिए, पेंटिंग के लिए, इसके लिए उसके लिए जो काम करना है, हम इसके लिए हम एकदम कमिटेड है। हाँ, लोगों के काम करने के लिए कमिटेड है। हम भी एमएलसी थे, एमएलसी बनकर 6 साल काम किया है बीदर डिस्ट्रिक्ट में, और जब से बसों कल्याण तालुक में रहने दो, बाकी सब तालुकों में सब तरफ फिर कर सब लोगों के साथ रह के काम किया है। तो और इस बार मैं भी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था, लेकिन किसी वजह से हम सफल नहीं हुए। लेकिन हमारा सिर्फ लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमएलए बन के लोगों के काम करना था। तो अब हमारा जब सरकार है और लोगों के काम हो रहे हैं, अगर ये पूरा अभी 4-5 साल ऐसे ही काम करता रहा, मेरा मानना है और मेरे दिल से मैं मानूंगा कि मैं एमएलए हूं बोल के। तो आप लोग सब सपोर्ट करिए। तो सिर्फ अधिकार लेकर अधिकार जताना नहीं है, अधिकार में रहकर काम करना है बोल के। और आप लोग स्टूडेंट जो है, आपको कभी भी कुछ तकलीफ वगैरह रहता है तो डायरेक्टली आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे हाथ से क्या हो सकता है, 24 घंटे हम आपके साथ रहेंगे बोलते हुए, और इधर बुलाकर हमको इतना सम्मान किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहते हुए मेरे 2 बातें खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।